हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव यामिनी। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरे इंपैक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यस गाइस, ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए शूट करते हुए आ रही हूँ कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मस्ट बाय प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए एंड मैंने इनकी रीबाइंग की है या इन फ्यूचर मुझे ये अभी इतने अच्छे लगे हैं कि मैं बिल्कुल इनको ट्राई करूँगी। सो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड ये मोस्टली अभी अप्रैल एंड मई में ही ख़त्म हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर कर रही हूँ ताकि मेरी जो वेडिंग रहे उसमें मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे एंड इस टाइम पे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो गई थी, आई डोंट नो क्यों, बट गर्ल्स प्रॉब्लम आप सब लोग समझ सकते हो कि क्या रीजंस थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल ये सब हो रहा था और खट्टा वगैरह खाने से भी मुझे प्रॉब्लम है। सो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ है। फर्स्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ क्लिंजिंग मिल्क से। तो क्लिंजिंग मिल्क के लिए मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स। आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये वाला फिनिश हो चुका है। ये है गुड वाइब्स का ऑलिव स्किन नरिशनिंग मेकअप क्लिंजिंग लोशन। इट्स अ बेसिकली क्लिंजिंग मिल्क, बट ये आपके मेकअप को रिमूव भी करता है, यानी काफ़ी ज़्यादा जेंटली आपके मेकअप को रिमूव करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रब करना पड़ा है, ईजिली आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। तो अगर मैं इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी की बात करूँ सो आपको इसमें 120 ml प्रोडक्ट मिलता है, 199 रुपीज़ का इसका प्राइस दे रखा है, 2 years का शेल्फ लाइफ मिलता है मैन्युफैक्चर डेट से। सो यस, ये ऑलिव का है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पंप पैकेजिंग होती है तो आप अपना प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट प्रोडक्ट को टच किए हुए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को गंदे हाथों से टच कर देते हैं तो वो गंदा हो जाता है या उसमें कुछ और भी बैक्टीरियाज लग जाते हैं जो कि हमारे स्किन को रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके की पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सो आप गुड वाइब्स का कोई भी यूज़ कर सकते हैं एंड सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑरेंज वाला इनका मेकअप रिमूविंग क्लिंजर यूज़ करो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने फर्स्ट ट्राई किया था एंड मेरे को वो बहुत बहुत ज़्यादा भी अच्छा लगा था। सो यहाँ पे मेरे पास एक और क्लिंजर है, ये है अरोमा मैजिक का टर्मरिक क्लिंजर, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। और अरोमा मैजिक वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है मेरा स्किन केयर में। यस, ये बहुत अच्छा ब्रांड है क्योंकि इसके सारे ही प्रोडक्ट इतने माइल्ड, इतने अच्छे से काम करते हैं, इंस्टेंट ग्लो। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो आपको बहुत अच्छा चेंज आपकी स्किन में देखने को मिलेगा। मैं इसको बिल्कुल बाय करूँगी क्योंकि मैंने इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया है। क्लिंजिंग जो स्टेप होती है वो आप अपने डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे, मॉर्निंग या इवनिंग में, वन टाइम डे में वन टाइम आप कर सकते हो, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करो। ये ब्लॉसम कल्चर अरोमा मैजिक का टर्मरिक क्लिंजर है, डीप क्लीन एंड सॉफ्टनिंग फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन। 100 ml प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड इसका जो प्राइस है वो 285 रुपीज़ है, बट ऑन डिस्काउंट आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में मिल जाता है, मतलब 150 या 180 में इजीली आपको पर्पल पे एंड नायका पे इजीली ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर गुड वाइब्स की मैं बात करूँ तो आपको पर्पल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है स्क्रब। तो स्क्रब के लिए अगेन ब्लॉसम कल्चर अरोमा मैजिक का मिनरल ग्लो स्क्रब है, ये बहुत ही अच्छा ब्राइटनिंग स्क्रब है। इसके जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से माइल्ड है, थोड़े से हार्श है, बट ऑयली टू ड्राई स्किन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्ने प्रो स्किन है तो वो इसको यूज़ ना करें, अदरवाइज आपकी स्किन पे इरिटेट कर सकता है। सो यस, ये 175 रुपीज़ का इसमें आपको जो क्वांटिटी मिल रही है आई थिंक 100 ml क्वांटिटी मिल रही है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, बट ज़्यादा एक्ने प्रो स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। अभी ख़त्म हो चुका है तो मैं नहीं बता सकती बिल्कुल भी, बट हाँ आप इसको यूज़ ना करते हुए इसी में एक जेल स्क्रब भी आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स है। तो ये वाला एक स्क्रब है जो कि सभी स्किन टाइप्स के लिए, बट पिंपल्स वालों के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास लेवेंडर का एक ये फूड स्क्रब है जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ओके स्क्रब इतना अच्छे से काम नहीं करता है एंड इतना रिफ्रेश भी नहीं करता है या क्लीन भी नहीं करता है। सो ये गुड वाइब्स का लेवेंडर फूड स्क्रब है, नो पैराबेन, नो सल्फेट, सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है एंड इसका जो प्राइस है वो 195 रुपीज़ है, बट मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगी तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में भी नहीं बताऊँगी क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा ही नहीं है। नेक्स्ट जो स्क्रब है, अगेन वन ऑफ द फेवरेट स्क्रब, मतलब मैंने लास्ट जो अर्थ गुडनेस का यूज़ किया था नीम स्क्रब, नीम एंड तुलसी स्क्रब था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद मुझे ये गुड वाइब्स का ऑलिव मॉइस्चराइजिंग स्क्रब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये इतना ईजिली आपकी स्किन को क्लीन कर देता है एंड बहुत ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करता है।
इसको अप्लाई करने के बाद आपको अगर आप मॉइस्चराइजर स्किप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं सारे स्टेप फॉलो करने के बाद भी, बट ये बहुत ज़्यादा माइल्ड स्क्रब है, आप इसको बिल्कुल ट्राई करो। ये ऑलिव का गुड वाइफ मॉइस्चराइजिंग स्क्रब है, 50 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है, नो पैराबेन नो सल्फेट सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है एंड 195 रुपीज़ का प्राइस है। सो यस, मैं बिल्कुल आपको इसको ब्लाइंडली बोलूँगी कि आप इसको यूज़ करो, ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। एक स्क्रब ये वाला है, इसी के अलावा मेरे पास है दूसरा स्क्रब, यह है गुड वाइफ का आंगन नरिशनिंग फेस स्क्रब, अगेन 50 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है, नो पैराबेन नो सल्फेट सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है, और ये भी आप देख सकते हो फिनिश हो चुका है। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप इन फ्यूचर का किसी भी प्रोडक्ट लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसका प्राइस अगेन 195 रुपीज़ है, तो आपको इसी तरीके की पैकेजिंग में 195 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे स्क्रब मिल जाएंगे। ये मुझे ओके लगा, अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप बहुत अच्छा चाहते हो तो यू कैन गो विद ऑलिव एंड रोज़हिप। रोज़हिप का भी स्क्रब है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसकी मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बाई की थी, इसलिए वो अभी फिनिश नहीं हुआ, बट मे बी शायद वो जून में फिनिश हो जाएगा। सो यस, एक प्रोडक्ट ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगी। इसी के अलावा एक क्लिंजिंग मिल्क और है, जिसकी मैंने कहा कि मैं क्लिंजिंग मिल्क डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, क्लिंजिंग डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, और दो और अभी मेरे चल रहे हैं। सो ये वाला एक और है, यह है काया का एवरीडे एसेंशियल सॉफ्टनिंग क्लिंजिंग जेल, इट्स अ बेसिकली जेल जो कि है सोप फ्री प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, अगेन ये सोप फ्री है बट बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, विथ विटामिन B3 एंड फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है ये, एंड डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड भी है ये। 50 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है 150 रुपीज़ में। सो अगेन आपको ये वाला क्लिंजिंग में सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लेना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई दे सकते हो, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है हमारा टोनर। सो टोनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी गुड वाइब्स का हनी टोनर, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशनिंग होते हैं, अभी ये फिलहाल एक्सपायर भी हो चुका है, अनफिनिश भी हो चुका है, बट बहुत इसका स्प्रे बहुत ज़्यादा माइल्ड है, सो इस तरीके के स्प्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आई थिंक फिनिश हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सो आप अपनी बॉडी को स्प्रे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से तो फिनिश नहीं होगा ये भी, बट अप्रैल में एक्सपायर हो चुका है। यस, सो यही कुछ प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा है मेरे पास वाव का ये एलोवेरा जेल, जो कि है 99% प्योर एलोवेरा जेल, नो पैराबेन नो सल्फेट नो मिनरल ऑयल्स नो कलर्स, एंड यस ये एक प्योर रियल एलोवेरा जेल है। रीज़न कि इसमें कोई कलर नहीं है, बिल्कुल वाइट जेल होता है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल रियल एलोवेरा प्लांट होता है, लीव होती है, उसमें से जैसे वाइट जेल निकलता है वैसे ही होता है, इसमें कोई ग्रीन कलर नहीं होता, कोई मिनरल ऑयल नहीं होती। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप इसे अपने स्किन हेयर्स किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो 130 ml आपको मिलता है 299 रुपीज़ का, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बॉडी क्यूपिड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बॉडी क्यूपिड का ट्राई करना चाह रहे हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है आर्या स्किन केयर न्यू चारकोल स्क्रब, कुछ इस तरीके का स्क्रब है, आप देख सकते हो उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, बट ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी प्रोडक्ट था, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी थी, 500 ग्राम क्वांटिटी मिल रही थी आपको 275 रुपीज़ में, बट ये मुझे शायद और भी कम प्राइस और भी कम उसमें मिला है, बट ये बहुत अच्छा स्क्रब था बॉडी के लिए, एंड आप अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हो, डीप क्लीन करता था, एक्सफोलिएट करता था आपकी स्किन को, एंड एंटी टॉक्सिन भी करता था आपके स्किन को। 100% नेचुरल चारकोल से बना हुआ था, एलोवेरा जूस था इसमें, प्लस इसमें आपको कोकोनट ऑयल भी मिल रहा है। सो यस, अगर आप इस तरीके के स्क्रब्स यूज़ करना चाह रहे हो अपनी बॉडी के लिए, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रब था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक मेरे पास मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, यह है गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम, ये बहुत अच्छा फेस सीरम है। इसकी अभी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, अभी मिसप्लेस है, बट इसकी पैकेजिंग अभी चेंज हो चुकी है, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश कर देता है। रोज़ हिप रेडिएशन ग्लो फेस सीरम है, 10 ml प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, एंड इसका प्राइस जो है वो 215 रुपये है, बट ऑन डिस्काउंट 160-180 रुपीज़ में ईजिली अवेलेबल है ऑन पर्पल। गुड वाइब्स की सारी प्रोडक्ट आपको पर्पल पर ईजिली अवेलेबल है। सो नेक्स्ट यहाँ पे लिप बाम है एंड फेस मॉइस्चराइज़र है, तो मॉइस्चराइज़र के लिए आपको आप ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं,
एंड ये है अल्ज गुडनेस का कोकोनट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि ओके ओके है, आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइजर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होता है, तो आई थिंक आपको सीताफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ट्राई करनी चाहिए। मैं उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड बैकअप के लिए भी नहीं मंगवाई, तो ये ओके ओके इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको बाय करो। वर्थ इट है, ऐसा नहीं है कि इसने इतना अच्छा काम नहीं किया है, बट ये एक टाइम पर इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, लाइक ये इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी कि इसका कलर चल गया है, जेल जैसा हो गया है, और ये बिल्कुल पिकी नहीं हो रहा है, बिल्कुल पिकी नहीं हो रहा है, मतलब जो लच्छे बन जाते हैं ना वो, और ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने रीसेंट में ही लिया था एंड ये अभी जो एक्सपायर होगा 9/2022 को, मतलब 1 से 1.5 साल है अभी इसको एक्सपायर होने में, बट फिर भी आई डोंट नो क्यों ये बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आ चुका था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये हिमालय का हर्बल स्ट्रॉबेरी शाइनिंग लिप केयर। ये बहुत अच्छा लिप बाम था, थिक फॉर्मूला है, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये फिनिश हो चुका है, सी ये इसमें इतना प्रोडक्ट है, बट अब इसको मैं निकाल तो सकती नहीं हूँ, सो यस, अगर आप इसको ट्राई करना चाह रहे हो तो ये वाला ट्राई कर सकती हो। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है लिप बाम के अकॉर्डिंग, आई थिंक 250 या 200 के आसपास का है, बट आपको ये रिलायंस मिल जाएगा, मैंने रिलायंस से ही लिया था। सो यस, यही कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैं आपको सजेस्ट करना चाह रही थी, अगर आपको पसंद आए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाई पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड।